नमस्कार दोस्तों, पिछले लेसन में हम लोगों ने सीखा गा रे सा, मतलब सारे गा हमारे तीन स्वर हो गए। अब चार स्वर बाकी हैं, वो हैं मा पा धा नी, और सा फिर से रिपीट होता है, लेकिन बस ऑक्टेव का डिफरेंस होता है, ऑक्टेव मैं बताऊंगी, ठीक है, दूसरे लेसन में। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट आ रहा है कि जब हम लोग माँ प्ले करते हैं तो ये सारी उंगलियाँ उठ जाएंगी और ये भी दोनों उठ जाएंगी और ये हल्का सा खुला रहेगा, बस ये माँ हो गया, ठीक है, ये माँ। तो अब ये होल्डिंग में फिर क्या होता है, ये फ्लूट गिरने का डर रहता है, तो इसको हम लोगों को इस तरह से देखिए, ये तीन उंगली अगर हटी हुई है तो देखिए छोटी उंगली यहाँ और ये अंगूठा यहाँ, ठीक है ये, और सेम ऐसे ही ये छोटी उंगली यहाँ, कोई बात नहीं, आप इसको फ्री रख सकते हैं, ये यहाँ से ऐसे पकड़ा जाता है, देखिए ये ऐसे, ठीक है, ये माँ का होल इधर है, तो लेकिन ये जो जब प्ले करते हैं तो ऐसे रखा, ऐसे समझिए, ऐसे, ठीक है, प्ले करते हैं तब ऐसे, और जब छोड़ा तो ऐसे, प्ले किया तो ऐसे, देखिए देखिए सा, ये उंगली सारी देखिए सा रे ग म, देखिए सारी उठी हुई इधर सारी है, सिर्फ माँ वाला हाफ होल ओपन समझिए अभी, ठीक है, माँ पा सिक्स होल्स क्लोज या फिर फाइव होल्स क्लोज, ये भी पा है और ये भी पा है, ठीक है, इस चीज़ का आपको जैसे मन करे आप बजा सकते हैं, पा फिर धा, देखिए उंगलियाँ कैसे रखी हुई हैं, धा नी सा, तो आप इसको यहाँ ये ऐसे आ जाती है, बड़ी बड़ी फ्लूट में क्या होता है, ये उंगली अपने आप यहाँ आ जाती है, ठीक है, तो अब मतलब ये अपने आप आएंगी होल्डिंग में, आपका मेन ये थंब और ये जो करते हैं ना, ये थंब और ये जो फ्लूट होल्ड करते हैं यहाँ से, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है एक, और ये थंब और ये छोटी उंगली ऐसे, बस ये पांच चीज़ें आपको, और फिर इसको मेन सपोर्ट मिलता है यहाँ लिप्स के नीचे, जो हम लोग इसको यहाँ इंटैक्ट रखते हैं ऐसे, बहुत दबा के नहीं, लेकिन नहीं, तो इससे भी इसको यहाँ से भी सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्ले कर रहे हैं तो ये है, और देखिए अब ये सारे भी छोड़ दूँ तो देखिए, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे एकदम ऐसे ऐसे गिरने का डर है, तो ये होठों के नीचे ये चिन से भी इसको सपोर्ट मिलता है, तो ये होल्डिंग इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि हम लोग अब माँ पा इस तरह से प्ले करेंगे तो वो फिर वो अगर होल्डिंग नहीं आई प्रॉपर तो दिक्कत आएगी, ठीक है, तो माँ पा धा नी सा। अब ये हम लोग चार स्वर और ये पांचवा स्वर ये मैं बताऊंगी अभी, ठीक है, तो हम लोग प्ले करते हैं माँ, देखिए वैसे मैंने कहा हाफ, लेकिन समझ लीजिए ये अराउंड 20% के आसपास खुलता है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, इसको शुद्ध माँ कहते हैं, वैसे बांसुरी में कोमल स्वर इसी तरह से बजाए जाते हैं, अब जब हम लोग कोमल बजाएंगे ना, रे गा धानी चार कोमल हैं, तो चारों में वैसे ही उंगलियां खुलेंगी, उनको कोमल कहते हैं, लेकिन माँ को हम लोग बजाते हैं कोमल है, कहते हैं शुद्ध है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, और एक और माँ है वो मैं भी बाद में बताऊँगी, तो अपनी माँ प्ले कर लिया, अब पा पा पहले हम लोग फाइव होल्स क्लोज प्ले करते हैं, ठीक है, फिर सिक्स होल्स क्लोज, एक ही बात है, फाइव होल्स क्लोज या सिक्स होल्स क्लोज, ठीक है, फिर धा समझ गए। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है, क्या होता है शुरू में ये बहुत ज़्यादा होती है गलतियाँ, कि जब हम लोग ये वाले स्वर प्ले करने लग जाते हैं तो ध्यान इधर चला जाता है, इधर जाने से क्या, ये कोई ना कोई ज़्यादातर ये उंगली उठ जाती है, मतलब या फिर ये पूरा बंद नहीं हुआ या फिर ये, तो इधर ध्यान ज़्यादा नए नए जब सीखते हैं तो ये होता है, ठीक है, तो इन तीनों उंगलियों को भी पूरा एयर टाइट ऐसे रखना है, शुरू में तो क्या होगा आप बहुत ज़ोर से ऐसे पकड़ेंगे बांसुरी को, फिर वो धीरे 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 पकड़ अपने आप ढीली होती जाती है, तो ये सारा प्रैक्टिस पर है, तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना कि कोई भी उंगली खुली ना रह जाए, उससे क्या होगा आपके या तो ये स्वर बजेंगे नहीं या फिर बेसुरे बजेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है प्ले करते वक्त, कि जब पापर उंगली आ गई ये, तो ये इसको पूरा
ये चाहिए तीनों बंद, धा पर है तो भी ये तीनों बंद, तो शुरू में ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो मा पा धानी हम लोगों ने प्ले किया। अब सा देखिए, पहले हम लोगों ने प्ले किया था मिडिल ऑक्टेव का, उसको कहते हैं मध्य सप्तक, वो हो गया तो सारे गा मा पा धनी सा, इसको हायर ऑक्टेव का भी कहते हैं और तार सप्तक भी, एक ही बात है। तो आप जब ये वाला सा प्ले करेंगे तो वो था एकदम ऐसे, और ये करेंगे तो देखिए लिप्स अपने आप स्ट्रेच हो जाते हैं तो तीखी फूंक निकलती है। देखिए पहला सा, आखिरी सा। एक तो मैंने ये बताया होल्डिंग का इम्पोर्टेंट ध्यान देना, दूसरा ये कि होल्स नहीं खुले रह जाएं, तीसरा ये कि ये जब तार सप्तक का सा बजाएंगे तो आपके लिप्स स्ट्रेच होंगे, और चौथी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, 90% नए फ्लूट प्लेयर्स के साथ क्या होता है कि जब वो जैसे सारे गा बजा लिया उन्होंने, माँ भी बजा लिया, जब पा बजाते हैं तो वो मंद्र सप्तक का बजा देते हैं। तीन सप्तक होते हैं, मंद्र, मध्य और तार, लोअर, मिडल और हायर। तो ये मंद्र सप्तक का पा इसलिए बज जाता है क्योंकि वो लिप्स की स्ट्रेचिंग नहीं हुई और ब्लो थोड़ा सा, मतलब उस हिसाब से ब्लो नहीं किया गया। देखिए कैसे बजता है, मैं सारे गामा पा धनी सा जो बज जाता है वो बताती हूँ बाई मिस्टेक। देखिए दूसरा साउंड आ गया ना, बजना चाहिए, डिफरेंस समझ गए। तो वो अगर आपके ब्लोइंग का वो प्रेशर और लिप्स की स्ट्रेचिंग नहीं होगी तो फिर हम लोग नीचे के ऑक्टेव में चले जाएंगे, जो कि गलत हो गया, ठीक है। और ये सा रे गा मा पा धनी सा ऐसे जा रहे हैं, इसको कहते हैं आरोह, और नीचे उतरने को कहते हैं अवरोह। इंग्लिश में उसको कहते हैं असेंडिंग आरोह, डिसेंडिंग अवरोह, ठीक है। तो ये कुछ बातें जो मैंने बताई आप पूरा दिमाग में रखकर फिर प्ले करेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी और आपकी मतलब वो कैचिंग जल्दी होगी, इम्प्रूवमेंट भी जल्दी होगा। अब उसी तरह से हम लोग सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है। अब ये जब सारे गामा पा धनी सा हो गया ना, तो इसको जब भी बैठें कई कई बार आप रिपीट करते जाएं। तो अभी शुरू में आपके एकदम धीरे धीरे बजेगा, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। हाँ जैसे शुरू में ना ये माँ से पा में थोड़ा साउंड आपका मतलब ब्रेक होके जाएगा, ऐसे ऐसे एकदम लगातार सा रे गा मा पा धनी सा इस तरह से नहीं जाएगा, सा रे गा मा पा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये आरोह में भी होगा अवरोह में भी, तो ये प्ले करते करते ही आएगा। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है ब्लो नीचे, जब हम लोग सारे गामा प्ले करते हैं तो ब्लो का प्रेशर कम रहता है, पास से थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो वो जो ज़्यादा होता है ना और ये जो कम रहता है प्रेशर, इस दोनों को ही हम लोग सिंक नहीं कर पाते। तो ये रियाज से ही आएगा, मतलब जब भी हम लोग कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो शॉर्टकट्स नहीं होते, वहाँ प्रॉपर वे में ही जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको कोशिश करें सही प्ले करने का, तानपुरा ऑन रखें, और साथ में ये जो आरोह अवरोह जितना आप प्ले कर सकते हैं उतना प्ले करें, मतलब करते जाए करते जाए। मैंने सोचा है कि आप लोगों को मैं स्टार्टिंग से ही इस तरह से सिखाऊं कि आगे जाकर आपको वो जो टेक्निक्स है ना अलग से ना सीखनी पड़े, थोड़ी 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 आप साथ साथ ही सीखते जाएंगे तो आपको एक अलग टाइप का मतलब इंटरेस्ट भी रहेगा सीखने में, अच्छा लगता है कि अरे साथ में टेक्निक्स भी आ रही हैं,
क्योंकि वो बहुत मुश्किल से आती हैं फिर बाद में, ठीक है। तो उस तरह से मैं ये सारे गामा को ही आपको किस तरह से प्ले करें कि सारे गामा ही में ही मेलेडी लगेगी आपको, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। नमस्कार, बांसुरी बजाते रहें, खुश रहें।